तो अब वो ऐसा है कि निकल चुके हैं पेट्रोल पंप से। तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद करीब 20 से 25 मिनट तो चल पड़े हैं करीमगंज की सड़कों पे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप मेरी पिछली वीडियो देखिए। क्योंकि कल क्या हुआ था, कल मैं चला था मेघालय के चौकशाव से करीमगंज के लिए, जो कि आसाम में पड़ता है, क्योंकि मुझे जाना था त्रिपुरा की तरफ। तो करीमगंज तो नहीं पहुंच पाया, लेट नाइट हिचाइकिंग करते हुए मैं रात को करीब 11:30 के आसपास कलेन, जो कि आसाम में है, करीमगंज से 30 किलोमीटर पीछे की तरफ है, वहाँ तक पहुँच चुका था। तो अभी हालाँकि हूँ मैं लारा में, जो कि कलेन में पड़ता है, और यहाँ के HP ग्लोबल फिलिंग स्टेशन पे मैंने कैंप लगाया था, देखो आप पीछे की तरफ। तो कल रात में यार काफ़ी टाइम हो गया था, करीब करीब 11:30 के आसपास पहुँचा था मैं, तो उसके बाद यहीं कैंप लगा के यहीं सो गया था। तो आज का अपना वो टारगेट रहेगा कि करीमगंज पहुँचे और करीमगंज से फिर अपनी यात्रा त्रिपुरा की तरफ आगे को बढ़ाएंगे। तो अभी मॉर्निंग का 7 बजा हुआ है और कुछ ऐसा नज़ारा है हाईवे के ऊपर ही, मतलब थोड़ा अंदर की तरफ ही लगा लिया था हमने, छोटा सा गार्डन की तरफ, गार्डन टाइप में था ये इस टाइप से। तो पीछे की तरफ है पेट्रोल पंप और ये है अपना मेन रोड। तो यार वैसे भी ये 24 आवर्स ओपन वाला पेट्रोल पंप था, तो बढ़िया, कोई चहल पहल थी, बढ़िया थी, पूरा चल रहा था, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला काम नहीं था यहाँ पे। राम राम। तो अब वो ऐसा है कि निकल चुके हैं पेट्रोल पंप से सामान वगैरह पैक करके, और अभी हमें जाना है 30 किलोमीटर, यहाँ से करीमगंज 30 किलोमीटर है, और यहाँ पे हमें होस्ट मिल चुके हैं, तो उनसे अभी बात की है तो वो शाम तक आएंगे, बट उनके गेस्ट हाउस में हम जा सकते हैं अभी। तो सिटी से थोड़ा सा मतलब अंदर की तरफ है, पहले चलते हैं करीमगंज और फिर वहाँ से चलते हैं अपने होस्ट के पास और फिर बात करते हैं। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद करीब 20 से 25 मिनट थोड़ा आगे की तरफ निकले थे 200-300 मीटर, और भाई साहब मिले, भाई साहब हमको छोड़ देंगे करीमगंज बाईपास पे, मतलब वहाँ से हार्डली अंदर जाने के लिए हमको 2-3 किलोमीटर बता रहे भैया, तो वहाँ से पास में ही फिर 2 किलोमीटर होगा, तो वहाँ से फिर निकल जाएंगे। भैया आसाम से ही है, इधर कलाइन के आसपास ही रहते हैं। अभी करीमगंज से अंदर की तरफ निकले थे और 4 किलोमीटर था यार सुजाय दादा का, मतलब सुजाय दादा की सुजाय दादा चल पड़े हैं करीमगंज की सड़कों पे, निकल पड़े हैं करीमगंज को एक्सप्लोर करने। दोपहर में आ गए थे 1-2 बजे और काफ़ी रेस्ट किया, नहाना धोना हो गया, कपड़े धो दिए, और अब निकले हैं यहाँ से, देखते हैं थोड़ा मार्केट। वही सभी जनरल मार्केट की तरह ही मार्केट है, थोड़ा बहुत घूमने के लिए निकले हैं, अभी शाम का 7 बजने वाला है। केला क्या रेट मिलता है? 50 का 12 4 30 50 4 30 50
सफरी वाला नहीं, ये सफरी ना, सॉरी एक सौ बीस।